एज प्राइज मेरे पास 50+ डॉग्स हैं अभी। मेरे पास सेंट बर्नार्ड है, अकीता है, सैमोइड है, उसके बाद लेब्राडोर है, वे गोल्डन डीवर हैं, जर्मन शेफर्ड हैं, सिडजू हैं और चौचो। मेरे पास कम से कम 30+ फर्स्ट वेस्टर्न शो होंगे सेंट बर्नार्ड के। 30+ जी हाँ, एक टाइम था मेरे पास 30+ सेंट बर्नार्ड के, और मतलब मेरे और 15 से 18 मेरे पास फ्रेंच मैस्टिफ थे। हेलो गाइज, आज हम आपको लेकर आए हैं कुलवीर कैनल गांव कोड़ी में, और आपकी बात करवाते हैं कुलवीर काका जी से। सत श्री अकाल सभी दोस्तों को, मैं कुलजीत सिंह काका कुलवीर कैनल से, और भाई साहब आज मेरे कैनल पे आए हैं, इनका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैं अपने बारे में यही बताना सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं और मेरे बड़े भाई साहब हैं भूपेंद्र सिंह, और हमारे तीसरे भाई साहब हैं परमिंदर सिंह, वो अभी USA में है। तो हमें 20-22 साल हो गए डॉग ब्रीडिंग करते हुए। शौक तो बचपन से ही था, पर धीरे धीरे ये प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल तब हो गया कि हम डॉग को प्यार करते हैं। अगर हम डॉग को प्यार करते हैं तभी उसको प्रोफेशनल बना सकते हैं। अगर हम डॉग को प्यार नहीं करते तो ये हमारा प्रोफेशनल नहीं बन सकता। डॉग रखने से पहले, सबसे मैं हर बार कहता हूँ, डॉग रखने से पहले आपको डॉग लवर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डॉग रखो। 22-23 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला, आज भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है अभी मैंने मुझे सारा कुछ पता है डॉग के बारे में, ठीक है जी। हम आज भी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। नए नए लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हर आदमी को यही बोलूँगा, अगर आपको कोई आदमी या कोई ब्रीडर कोई अच्छी बात बताए तो उसको अपने माइंड में जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए जी भी हाँ उसको क्या पता है, वो क्या जानता है डॉग के बारे में या डॉग ब्रीडिंग के बारे में। हमें सीखना चाहिए और सीखते ही हम कुछ कर सकते हैं। सर आपके पास कितने डॉग्स हैं फिलहाल? एज प्राइजर मेरे पास 50+ डॉग्स हैं अभी। सो गाइज, सर के पास 50+ डॉग्स हैं, पीछे इनका सेटअप है पूरा, वो है इनके डॉग्स, बहुत सारे डॉग्स हैं। कितनी ब्रीड्स हैं सर आपके पास? मेरे पास है 7-8 ब्रीड्स हैं। मेरे पास 7-8 ब्रीड्स हैं गाइज इनके पास। और सर आपका कुछ इंपोर्ट भी करवाए थे आपने कुछ डॉग्स? डॉग तो मैंने बहुत से इंपोर्ट कराए हैं। सबसे पहले मेरे पास टाइम था कभी लार्ज ब्रीड का जी, इंडिया में लार्ज ब्रीड डॉग बिकते थे, ठीक है जी, शो होते थे, ठीक है जी। उनका वर्किंग ग्रुप होता है लार्ज ब्रीड डॉग का, हाँ जी। उसमें सैंड बर्नार्ड आ गया, ठीक है जी, ग्रेडन आ गया, बॉक्सर आ गया, फ्रेंच मैस्टिफ आ गया, इंग्लिश मैस्टिफ आ गया, बहुत से ब्रीड थे जो लार्ज ब्रीड, जिसको हम लार्ज ब्रीड कहते हैं। पर धीरे धीरे लार्ज ब्रीड का क्रेज़ कम होता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो है टाइमिंग। अगर कोई बड़ा डॉग रखता है उसके लिए उसको टाइम भी ज़्यादा चाहिए, उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, ठीक है जी। पहले लोगों के पास टाइम था, अब छोटे घर हो गए, लोगों का रोज़गार जो वर्कआउट है वो कम हो गया डॉग के लिए, ठीक है। लार्ज ब्रीड का क्रेज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक टाइम था मेरे पास 30+ सेंट बर्नार्ड थे, और मतलब मेरे और 15 से 18 मेरे पास फ्रेंच मैस्टिफ थे, यानी 50 डॉग्स थे मेरे पास, उसमें सेंट बर्नार्ड और फ्रेंच मैस्टिफ थे। अब कम करते करते बहुत कम डॉग मेरे पास सेंट बर्नार्ड रहे। तो सर जैसे आपके पास इतने सारे डॉग्स हैं, इतने सारे, सो आप इनकी टेक केयर कैसे करते हो जी? सर टेक केयर ऐसा नहीं है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा डॉग हैं तो आप उनकी टेक केयर नहीं कर सकते, ठीक है जी। डॉग एक हमारा सिस्टम बना हुआ है जी, ठीक है जी, हर डॉग के लिए, उसको कैसा रखना है, कहाँ पे रखना है, उसको कब बात देना है, उनको कैसा खाना देना है, ठीक है जी, किस डॉग को कैसा फूड देना है, ठीक है जी। छोटे डॉग को अलग रखते हैं, बड़े डॉग को अलग रखते हैं, ठीक है जी, शोवर डॉग को अलग रखते हैं, वो एक सिस्टम बना हुआ है हमारा सारा कुछ, एक सेटअप है वो सारा जी जी। सो गाइज देखिए, मैं नॉर्मली कैनल कवर करता हूँ और मैंने आपको बहुत सारे कैनल दिखाए होंगे, बट ऐसा नज़ारा आपको मेरे हिसाब से तो नहीं देखने को मिलाएगा, क्योंकि इतने सारे डॉग्स हैं, इतनी सारी ब्रीड्स हैं, और कोई भी लड़ झगड़ नहीं रही, आसानी से खेल रहे हैं, देखिए इंजॉय कर रहे हैं डॉग्स पूरे। सर आपका कॉस्टली डॉग भी होंगे आपके पास, जैसे समोइड तो बहुत महंगी डॉग ब्रीड है। सर देखो, महंगी सस्ती ब्रीड का वो कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है भी आपके पास क्वालिटी का जी जी। जैसे समोइड है तो नॉर्मली समोइड का प्राइस वैसे क्या रहता होगा? सर प्राइस ऐसे नहीं, जस्ट वैसे ही नहीं, आपसे पूछ नहीं रहा, कम से कम 60-70 तो है। तो देख लीजिएगा, 60-70 हज़ार के कुत्ते मतलब डॉग्स हैं जो, वो किस तरीके से घूम रहे हैं, और ये तो मतलब स्टार्टिंग प्राइस होएगा इनका। बिल्कुल जी जी।
तो बाकी पप्स सर के पास अवेलेबल होते होंगे शायद? हाँ पप अवेलेबल होते हैं जी। जी पप्स अवेलेबल। ब्रीडिंग करने सर, ब्रीडिंग मैं वही कह रहा हूँ, ब्रीडिंग करने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं आप डॉग को मशीन बना दो, ठीक है जी, हर जब भी आप वो अपने सीजन पे आए उसको मेड करवा दो, बच्चे लेते जाओ, ठीक है जी। डॉग को मशीन मत बनाओ, ठीक है जी। ब्रीडिंग करो, दिमाग से करो, अच्छे डॉग देखो भी कौन सा डॉग किस फीमेल के साथ मैच करता है, तब उसकी ब्रीडिंग करो, तब आप ब्रीडिंग में सुधार कर सकते हो। जैसे देखा फीमेल हीट पे आ गई, ठीक है जी, तो आप उसको किसी भी डॉग से मेड करवा दो, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। आप पहले सोचो भी ये डॉग की लाइन क्या है, इस फीमेल की लाइन क्या है, फिर उनको मेड करवाओ। अगर आप अच्छे डॉग को अच्छे फीमेल से मेड करवाओगे उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। जी बिल्कुल। अभी आपके पास सर कौन कौन सी ब्रीड्स हैं वैसे? अभी मेरे पास हैं सेंट बर्नार्ड, मैं तो कोई आज भी कह रहा हूँ जो हमारी नंबर वन मेरी चॉइस ब्रीड है वो सेंट बर्नार्ड ही है जी। मेरे पास सेंट बर्नार्ड है, अकीता है, सैमोइड है, उसके बाद लेब्राडोर है, गोल्डन डीवर हैं, जर्मन शेफर्ड हैं, सिडजू हैं और चौथ। सर मैंने सुना था कि आपने स्टार्टिंग सेंट बर्नार्ड कुछ ऐसा ही किया था ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैंने सेंट बर्नार्ड से शुरू किया था। और आपने इंडिया में सेंट बर्नार्ड को फेमस करने में आपका एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है। चलो रोल नहीं कहता मैं, भी हमारा बहुत बड़ा रोल है, वो बस एक क्रेज ही था भी सेंट बर्नार्ड के बारे में जी। भी हाँ भी सेंट बर्नार्ड, क्योंकि सेंट बर्नार्ड कभी इतने अच्छे सेंट बर्नार्ड आए नहीं थे इंडिया में, और भी लोग लेके आए, नहीं मैं ही लेके आया हूँ, हमारे कंपटीशन में बहुत से लोग लेके आए हैं, हम जीते भी हैं, हम हारे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर वक्त हम ही जीते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेंट बर्नार्ड आए हैं, ठीक है जी। तो यानी कि सेंट बर्नार्ड कभी लाइनअप नहीं लगे थे, तो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी में इतना सुधार आ गया कि वो फर्स्ट वेस्टर्न शो भी लगने शुरू हो गए जी। जी मतलब आपने इतना मेरे पास कम से कम 30+ फर्स्ट वेस्टर्न शो होंगे सेंट बर्नार्ड के। 30+ जी हाँ। मतलब गाइज एक बहुत बड़ा नंबर है, और इतना आंकड़ा हासिल करना एक आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है सर। 30+ तो फर्स्ट बोल रहा हूँ मैं वेस्टर्न शो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लगा करके मैं चलूँ तो 100+ होने चाहिए। 100+ जी जी। सो गाइज मतलब आप इनकी मेहनत देख सकते हो कि कितनी मेहनत की होगी सर ने, तब जाकर इतने डॉग्स इन्होंने विन करवाए और इतने अच्छे डॉग प्रोड्यूस किए। तो सर अभी आपका मेनली फोकस किस ब्रीड पर चल रहा है वैसे? अभी मेन फोकस तो अभी मेरे पास तीन ब्रीड है, अकीता जी, दूसरा सैमोइड और तीसरा लेब्राडोर।